जीन्स पहन रखी है अभी तो, या तो ऑफिस जाना पड़ेगा। बार ठंड मेरे ख्याल में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दिल्ली में इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है, दिल्ली मतलब गुड़गांव में, दिल्ली गुड़गांव एक ही चीज है समझ लो तुम। हालत खराब कर रखी है यार, कैसी बात कर रहा है। अरे एक ही है यार, फिर गुड़गांव का नाम भी साथ में ही आएगा दिल्ली का। नहीं नहीं एक ही चीज है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने सुबह सुबह उठते ही पहले क्या काम करा, आज गाय की रोटी देखा मैं। मुंह में बाल घूम जा, मैं यार बाल कटवा लूंगा यार, छोटे करवा लूं, बाल छोटे करवा लूं, बहुत ज्यादा छोटे। तो सीन कुछ ऐसा भाई लोग कि हमें निकलना है अब जयपुर। जयपुर की हमारी तैयारी हो चुकी है, हमारा कल 15 तारीख को मीटअप है। जब ये व्लॉग देखोगे उसके हिसाब से कल मतलब 14 तारीख को देखोगे तो 15 को, उसकी सारी डिटेल्स जो भी होंगी कि किससे मिल रहे हैं, कितने लोग, मतलब हम 15 से 20 लोगों का रखेंगे मीटअप, ज्यादा का नहीं रखेंगे क्योंकि कोविड के चक्कर में भसड़ हो सकती है, बेफालतू में कभी कुछ ऑब्जेक्शन उठने लगे, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। 15-20 लोगों का रखेंगे, एक डिसेंट सा मीटअप रखेंगे, कोई हुआ नहीं बनाना, नॉर्मल एक मिलेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। मैसेज तो इतने आ रहे हैं, मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनमें से कुछ लोग सिलेक्ट करके उनसे मिलेंगे, बाकियों से फिर बाद में मिलेंगे कभी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बता, अरे कैसे करेंगे वो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कर लेंगे या फिर ये थोड़ी, अब कईयों ने 24 घंटे से मैसेज कर रखा। हाँ वो भी बात है, पर देख लेंगे जिस जो भी, कई कई ऐसे भी मैसेज ना, कई स्पैम मैसेजेस होते हैं कि भाई यहाँ भी आ जाओ वहाँ भी, तो देख लेंगे जिस हिसाब से होगा वो अभी कर लेंगे फाइनलाइज। मतलब बैठ के आराम से बात करेंगे, हमें कोई व्लॉग बनाने के लिए ना जा रहे, कुछ वैसे ना जा रहे, हम जा रहे घूमने के पर्पज से। एक बार बस ये है कि लोगों से मिल लें, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, वो सब मिल के बातचीत करेंगे, वो आपको दिख जाएगा व्लॉग में। मेरे तो पटियाला भाई दूध ले आएंगे आपके लिए, बढ़िया। नहीं पटियाला के लिए कोई दूध नहीं लेके आएगा, पटियाला के लिए कुछ गिफ्ट लाना हो तो कुछ मत लाना यार, मैं क्या ही बोल देता अभी उठ पटांग कुछ। हाँ मैं क्या कह रहा था कि मैंने सोचा था कि घर से मैं नहा धो के निकलूं, गाय की रोटी जब देने गया, जब आप लोगों ने वो, मैंने इसलिए अपनी शक्ल नहीं दिखाई क्योंकि मैं पुराने कपड़ों में जो कल पहन रखे थे हमारे, वही दिखा दे अपनी शक्ल। ये भी उन्हीं कपड़ों में जो कल पहन रखे थे, लेकिन मैंने कपड़े कपड़े चेंज कर लिया आगे, लेकिन मैं नहाया तब भी नहीं, नहाया तो ना भाई तेरे बराबर ही गाड़ी मेरे बराबर क्या नहा का। अच्छा तू नहा लिया और यही नहा दिया, खुद नहा के डोल रहा है, मेरे तो कह रहा है मैं तो नहाया भी नहीं, वही पहन रखे। हमारी सोसाइटी में है आज वो क्या कहते हैं उसे, लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी का फंक्शन, तो मेरे पास मैसेज आ गया था कि सर आ जाना ये वो। अरे यहाँ करेंगे इस पार्क में, यहाँ कहीं इस पार्क में पीछे, मतलब यहाँ कुछ वो करेंगे, होली होली का क्या करेंगे, आग वाग लगा के, मतलब पूरा प्रॉपर जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं वैसे करेंगे। पूजा वूजा करें, हाँ जो भी पूजा वूजा करते हैं वो, जो भी पूजा करते हैं वो करेंगे। ये मत सोचना कि मैं वो ना कर रहा, लोहड़ी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, पर सारी सोसाइटी की लड़कियाँ वड़कियाँ सब आएंगे, तो मैं सोच रहा था नहा लूँ, लेकिन इसे नहा नहीं ना दिया। मैं तो उससे कह रहा हूँ चल, अरे घर जाना यार, दो दिन तो यही पड़ा, मम्मी मेरी गाड़ी पकेगी तो तेरा समझ ना आ रहा। वैसे यूं करता रहा है कि भाई देख लो तुम्हारा, तुम तो ही कहता रहा, मेरे से तो क्यों कहेगा, तुमसे कहता रहा सेटिंग करवा सेटिंग। अब पहले छोरी से ज्यादा तो घर के इंपॉर्टेंट है। ओ ये बात दिल जीत लिया तुमने, पप्पी दे दो इसे। थैंक्स मैन, थैंक्स, देखा कितना इज्जतदार आदमी है। पापा दोर घर जाऊंगा ना, पापा दोर फोन करता हूं, जल्दी आ जाओ, मैं सोसाइटी में जाना, छोरी है। हाँ ये कर सकता है, ऐसी हरकत तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। गाइस जैसे आप लोग इसको ठरकी समझते थे वैसे मैं भी समझता था, लेकिन ये ठरकी है नहीं, इसके पास एक बहुत अच्छा ऑफर था आज की, लड़कियों के बीच रहने का, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, लोहड़ी मनाने का, और हो सकता है कोई हैप्पी लोहड़ी बोल के से गले भी लग जाती, लेकिन इसने मना कर दिया, इसने कहा मैं घर जाऊंगा, घर वालों के साथ लोहड़ी मनाऊंगा। इसके लिए मेरे मन में इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है, ऊपर लिफ्ट बुला लिया और ज्यादा बढ़ गई है। आप लोग भी इसे पटियाला भाई जान के नाम से बुलाया करो, पटियाला भाई के नाम से बुलाया करो, ऐसा कुछ नाम है घर बना के दोबारा आ जाओ। ओह यस, यही तो नहीं सुन रहा था। हम तारीफ कर रहे हैं लेकिन तारीफ नहीं पसंद, बहुत ही स्वाभिमानी आदमी है, तारीफ ऐसे फ्री फंड की तारीफ बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा ही। ओह यस, वापस आ जाऊंगा मैं तो, दबा दिया, दबा कर दिया, थैंक्स। कल भी जिम नहीं गया था तो आज जिम जाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि फिर कल मैं जयपुर में हूँगा, जयपुर में जिम मिले ना मिले, खैर मिल जाएगी वैसे तो होटल वोटल में, पर फिर भी कर पाऊँ ना कर पाऊँ, इसलिए आज जिम जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी जाना जरूरी है। और ये होटल होटल कह रहा हूँ, ये क्या नाम है, लोहड़ी का जो फंक्शन है मतलब सोसाइटी में, ये भी हमारा प्लान बन रहा है कि हम आए थोड़ा सा अटेंड करें, देखें क्या होता क्या नहीं, तो बहुत वो हो रहा है मतलब जिंदगी में, ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्या ये। अरे नहीं जिम ज्यादा जरूरी है यार, कल भी नहीं गया ना, दो दिन लगातार छुट्टी कर लूंगा तो हालत खराब हो जाएगी, वैसे ही मान जाएगी। हाँ वैसे ही कुछ ऊटपटांग खा रहा हूँ आजकल, तो थोड़ा सा ऊटपटांग के खा रहा है यार, एक नंबर चावल बड़ा खा रहा हूँ, चावल दाल, मैं चावल दाल को भी ऊटपटांग में ले रहा हूँ, मतलब मैं इन चीजों को भी वैसे ले रहा हूँ जिसमें मेरे को प्रोटीन कम मिल रहा है और कार्ब्स ज्यादा मिल रहे हैं, मैं उन चीजों को ऊटपटांग में ले रहा हूँ। वैसे मीठा तला हुआ कोल्ड ड्रिंक तेल ये सब तो मैंने बंद कर रखी, मैदा वैदा खानी ये सब तो मैंने वैसे ही बंद कर रखी, बिल्कुल जड़ से खत्म।
वैसे तो ना खा रहा है कुछ भी। यस डाइट पहले, बाकी सब बाद में। डाइट पहले। ओए इस गाड़ी ने यार तू गर्म तो कर ले, तो मार्क्स में ऐसा लग रहा है चूतड़ पानी में तैर रहे हो ठंडे में। सिल्ली बर्फ में सिल्ली बैठ गया, बर्फ के सिल्ली में सिल्ली कह रहा हूँ, सिल्ली में बैठा दिया यार। सर्दियों में होता ही भाई, और यो तो शुगर कर वो ना है बाइक ना है, पर बाइक तो गर्मी में ज्यादा दिक्कत देवे ना, धूप में गर्म सही है। तू चला, रुक जा मैं ले आऊंगा अभी बाइक। हाँ सकूट ले आऊंगा घर, ठंडी हो रहा है, चला लियो ठंडी ज्यादा रहे ना, ठंडी को रहे तू चला लियो ना, यहाँ तो घर तक चला लियो। रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, इसका लेंस खराब हो रहा है क्या, गाड़ी की लाइट जलानी पड़ रही है। खुले नहीं आंटी, सच में कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आप देना चाहो, वैसे देना ना चाहिए पर देना चाहो तो तुम दे भी नहीं पाते, खुले पैसे हम रखते नहीं कैश। मेरा सिक्का धरा था अब देख रहा है। हाँ घर ही जा रहा हूँ। ओके वीरा बाय, परमिशन ले ले फिर बता। ठीक है तो गाइज हमें था छोटा सा काम, वो खत्म करके, छोटा सा नहीं बड़ा काम था खैर, वो खत्म करके मैंने पटियाला को छोड़ दिया है। ये देखो यहाँ साइड में अगर तुम्हें दिख रहा हो ये ना, यहाँ वो बन रहा है फ्लाईओवर। तुमने अगर न्यूज में भी सुना होगा कि एक फ्लाईओवर गिर गया था गुड़गांव में, वो यही वाला था यहाँ, तो इससे थोड़ा सा आगे चल के वो गिरा था, और एक इधर साइड भी गिरा था, दो बार गिरा ये वाला फ्लाईओवर। तो जब बन जाएगा जब का जब देखेंगे, पर बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, इसके नीचे से क्रॉस करने में भी हालत खराब हो जाती कई बार। आज रात को आराम से बैठ के इंस्टाग्राम चेक करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं मतलब जयपुर वालों के, और अगर आप मैं सुबह भी, क्योंकि हम गाड़ी में यही काम करेंगे, क्योंकि सुबह निकलने का प्लान है हमारा 7-8 बजे के आसपास, तो देखते हैं जैसे भी होगा वो आपको पता चल जाएगा इंस्टाग्राम पे। जयपुर वाले जितने भी है मैसेज कर लेना, क्योंकि मेरे को, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम में दिक्कत है आप लोगों को पता है, उसमें पुराने मैसेज चले जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, नए मैसेज आने लगते हैं, तो प्लीज नए मैसेज, मतलब अगर आपने पहले मैसेज करा होगा भी तो ये मत सोचना कि उसी के ऊपर मैं रिप्लाई करूंगा, वो नीचे चला गया होगा, वो मेरे को दिखेगा भी नहीं। एक बार और मैसेज कर लेना, कोई बात नहीं, भाईचारे के नाते इतना तुम कर सकते हो। फिर मिलते हैं कल 15 तारीख को। क्या जोरों शोरों से काम चल रहा है यहाँ? यह देखो इधर तो ये ब्रिज बन रहा है, इधर ये मॉल बन गया है पूरा, मतलब यहाँ बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ गई हैं, और भाई हमें तो पता ही नहीं चला कब कब में मना। इसके सामने अगर तुम इधर जाओगे ना, मतलब यहाँ से थोड़ा सा आगे इधर, तो यहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे, अब तो खैर नहीं, बहुत टाइम हो गया, लेकिन एक स्कूल है, हाई स्कूल लड़कों का स्कूल है सरकारी, और उसमें हम बैट बॉल खेले करते। भाई मेरे को आइडिया भी नहीं कब कब में तैयार होकर खड़ा भी हो गया, इसमें ब्रांड्स आ गई और वो ओपन भी हो गई, मतलब चालू है मोल, ये बड़ी आगे बढ़ गई दुनिया, में बहुत पीछे रह गया यार। वैसे तो मेरे को जिम जाना है, लेकिन थोड़ा सा फेस का थोड़ा मैं क्लीन अप करवा लेता हूँ, क्योंकि मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है 2-3 दिन से। मेरा पर्स कहाँ है? पर्स की वैसे जरूरत तो नहीं है, मेरी मेंबरशिप है, दिक्कत मत लो। बहुत देर लग गई, बहुत ज़्यादा देर, पर कोई बात नहीं, अब मैं निकलता हूँ जिम के लिए। लेट हो रहा हूँ, कल भी नहीं जा पाया, मेरा मन ना लग रहा जिम के बिना। ओ जीन्स पहन रखी है अभी तो, या तो ऑफिस जाना पड़ेगा ना, गाड़ी में रखा होगा लोअर, देखता हूँ चेंज करके फिर सीधा जिम निकल। तो गाइस सीन ये हुआ कि जिम मेरे सामने खड़ी थी, मैं जिम के सामने खड़ा था, लेकिन फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि आज लोहड़ी का त्यौहार है, मम्मी घर पर अकेले है, और मम्मी का ही फोन आ गया है, और जतिन घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा कि मम्मी को क्यों ना डिनर पे ही ले जाऊं, इससे बढ़िया कि मैं जिम में 2-3 घंटे खराब करूं उसके बाद। अरे मम्मी कॉलिंग अगेन, यस मॉम। यहाँ के पता चला मैं मम्मी को सरप्राइज दे रहा था, लेकिन मैं खुद ही सरप्राइज होगा, क्योंकि यहाँ तो पहले ही लोहड़ी वोड़ी बन रही है भैया, यहाँ पूरी सोसाइटी बना रही है, मैं भी जाके देखता हूँ। वो देखो क्या ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, सही है यार। तो मॉम पूरा डांस लिया जा रहा था, है साथ वहां चढ़ रहे हैं, देखा तुमने? ओ देखा, तो वहीं आ जाता हूं वीडियो बनाने। वहीं तो बनाइए वीडियो, तुमने कब बनाई? आके बना दे गया, आपने पता ही ना चली। चलो अब चल रहे हैं कहीं कुछ खान पीन। अच्छा यार अभी यहां कुछ पार्टी वार्टी का सीन है आपका? मैं तो जिम छोड़ के आया हूँ, मैं कह ले यार आज वो है लोडिया, तो साथ चलेंगे डिनर के लिए। जतिन शर्मा है नहीं, मैं हम ही चल देते हैं, पार्टी कर रहे हो, अगर करो तो कर लो, कोई दिक्कत भी ना है, तो अपने यही होगी ना, अब तेरी सब्जी रखी है, मैं रोटी बना लेती हूँ। अरे नहीं बाहर चलो ना, कहीं खा खाएंगे, चलो चल, मैं तो तैयार हूँ, चल। जतिन शर्मा की वजह से सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए, मम्मी नु कह रहे हैं कि तीनों साथ जाएंगे जब वो आ जाएगा। तो मैं आया तो मम्मी यार
अरे आके मैं रहा अरे यार इसका देऊं दांत लगा आपते ही। अच्छा और वो इतनी बात लर्निंग कर रहे थे वो सारी भी लोगे। चलो कोई बात ना वो आ जाएगा पर वो आएगा मैं कल चला जाऊंगा फिर जयपुर। कल चला जाएगा तो परसों आ लेगा तू। हाँ ये बात भी है। चलो कोई बात ना जब वो आ जाएगा तीनों चलेंगे। कुछ भी है क्या अकेले अकेले प्रोग्राम नहीं करेंगे कभी। ओके डील डील। आधा किलो ये वाली आधा किलो ये वाली गज्जक मंगवाइए मम्मी ने गज्जक। कल त्यौहार है हमारा। हमारे यहाँ पे लोहड़ी का जो त्यौहार रहा है वो ज़्यादातर पंजाबी मनाया गया है। हम बस सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ लेकिन जो पूजा वूजा करते हैं वो करते हैं और सकरात जो होती है वो हम मनाते हैं। मतलब हरियाणा में ऐसा होता है ज़्यादातर सकरात ज़्यादा वो होती है ना भाई। तुम दोनों बनाओ लोहड़ी और वो सकरात दोनों। वेरी गुड ऐसे बनाना चाहिए। तीज कौन सा त्यौहार बना है? तीज तीज। अच्छा तीज तुम भाई राजस्थान से हो तुम? जयपुर में तो कल वो होएगा पतंग उड़ेंगे खूब है ना। कल वहीं जा रहे हैं हम सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए जा रहे हैं। घेवर बिकेगा वहाँ। घेवर भी बिकेगा? अच्छा जी कल के दिन। हमारे दो दुकान है भाई। हैं कहाँ है? लक्ष्मी नगर सोडाला 4 नंबर डिस्पेंसरी। अच्छा जी कल जयपुर में घेवर लेकर रखना। कल जयपुर जा रहा हूँ जयपुर में घेवर लेकर आना जो भी बढ़िया वाला जहाँ मिलता हो भाई यार की दुकान पर ले आना चाहिए। बनगी लोहड़ी भी बनगी जिम भी होगी सब कुछ होगा। सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। मेरे बालों को इग्नोर करना। वो कुछ करवाए थे ना फेशियल सा तो सिर पे कुछ लग गया था यहाँ चिपक गया था तो ये इसलिए ख़राब हो रहे हैं। तो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह मेरे को जल्दी निकलना है वहाँ जयपुर के लिए। रात के अभी बज रहे 11:30 तो इसको मैं एडिट करके सो जाता हूँ और सुबह मतलब अभी अपलोडिंग पे लगा दूंगा। सुबह बस मेरे को एक बटन दबाना रहेगा तो वो मैं गाड़ी से दबा दूंगा। 9 बजे आपको व्लॉग देखने को मिल जाएगा। कल यानी 15 तारीख को हम लोग जयपुर में मीटअप रख रहे हैं। वो आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ चुके हैं मैं उनसे बात भी कर रहा हूँ मतलब मैंने रिप्लाई भी करे हैं। कुछ को मैं कल करूँगा तो आप लोग भी जो जयपुर से वो मेरे को मैसेज कर देना जिसको मिलना हो मिल सकते हैं। मतलब 15-20 लोग मिल सकते हैं तो आप मैसेज कर लेना 15 तारीख को। टाइम और लोकेशन मैं 14 की रात को मतलब जब ये व्लॉग देखोगे उस दिन रात को आपको बता दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो इस व्लॉग को यहीं एंड कर दे। अगर पूरी वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।